सूत जी कहते हैं जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन विद व्यास जी महाराज का प्रागट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा श्री विद व्यास जी ने यह देख लिया कि कलयुग में बड़ा उपद्रव होने वाला है। इसलिए वेद व्यास जी ने एक वेद के चार भाग कर दिए। सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद, उसके चार भाग कर दिए, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद बना दिए। पांचवा वेद महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी वेद व्यास जी का मन खिन्न रहने लगा। चित्त में बार बार आता अभी कुछ रह गया, और समझ में नहीं आता रह क्या गया। बार बार चिंता में भर गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में एक, 10 ऋषियों में जिनकी गिनती आती, महर्षि श्री नारद जी, देव ऋषि नारद जी, हाथ में वीणा लिए हुए और वीणा की तार टनटनाते हुए, नारद जी नारायण नाम का संकीर्तन गाते हुए, नारायण 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 गाते गाते आगे। देखो संतों का काम है जगाना, सोए हुए को जगाने का काम संतों का है, वैसे तो मानवों का भी है, पर संतों का काम है सोए हुए को जगाने। और हमारे पूज्य दादा गुरु जी एक दोहा गाया करते थे, सोवत संत जगाइए ले हरि को नाम, और सोवत जी न जगाइए शेर सांप और काम। सोवत संत जगाइए ले हरि को नाम, पर सोवत जे न जगाइए शेर सांप और काम। तीन को नहीं जगाना चाहिए सोते समय। किस किस को? शेर, सांप और काम। काम भी अगर सो रहा हो तो पढ़ने दो। किसी को वासना अत्यधिक सताती हो, काम वासना के चित्र बार बार मन में उतरते हो, तो एक उपाय करें, चलचित्र देखना बंद कर दे। चलचित्र देखना बंद कर दे, वासना की बातें अपने आप चित्त से हटने लगेंगी। इसलिए काम को सुबाओ, और काम को सुसुप्त अवस्था में करना है तो काम की चर्चा ही मत करो। सोवत संत जगाइए, पर अगर कोई संत सो रहा हो तो जगाओ। अरे साधु जी सीताराम उठो, भुंसारो हो गो, ले हरि को नाम लेकर के जगाओ। घर में कोई सो रहा हो, बालक विद्यार्थी, जगाओ। 7 बज गए हो, 6 बज गए, उठो सीताराम करो। पर तीन चीजें मत जगाओ, शेर सांप अरु काम। सांप सो रहा हो सोने दो, वरना उठेगा काट लेगा। शेर उठेगा खा जाएगा। काम अगर जग रहा, सो रहा हो, जगा दिया तो ना जाने क्या गंदा कृत्य करा दे, बाद में पछताना पड़े। सोने दो। तो संतों का काम है जगाना। देखो व्यासपीठ का काम है सत्य बोलना। हम शास्त्र की भी चर्चा करेंगे, सनातन की भी चर्चा करेंगे, और जगाने की भी चर्चा करेंगे। व्यासपीठ से ही सनातन की चर्चा नहीं होगी तो फिर कहां होगी? व्यासपीठ से ही मानवता की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? और एक बात, बुरा ना माने, किसी को अगर बुरा लगे तो सीताराम अभी तक खूब करते आए, दो हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोखदिया शांति, पर वर्तमान में अब सनातन की चाहिए ओम दो हो क्रांति, अंतरिक्ष गुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति, रापा क्रांति। हाँ अब क्रांति की आवश्यकता है, खूब शांति पाठ हो गए, अब क्रांति की आवश्यकता है, जगो
बुजदलो जगो, जग करके मुख पर राम का नाम लो, मस्तक पर तिलक लगाओ और हाथ में हनुमान जी का झंडा उठाओ। हाँ, वरना कांदीपुर में भी कहां आते हैं लोग हनुमान जी के चरणों में, सब सो रहे कुंडलपुर वाले। हाँ, कुंडलपुर में हमारी रुक्मणी मैया विराजमान नहीं हो पाई, इसलिए जगो सब जगो। ये आवाज आपकी होनी चाहिए, कुंडलपुर में रुक्मणी मैया जब तक बैठ ना जाए तब तक तुम लोग सो मत, जग जाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। हम व्यासपीठ से कहते हैं कि कुंडलपुर महाराज ऐसी कृपा करवे यहाँ के जागेश्वर वाले श्री शंकर जी भगवान कि हमारी रुक्मणी मैया बैठ जावे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, हम जरूर आएंगे उसमें। हाँ, लेकिन ये जागृति तुमसे चाहिए, तुम लोग हो बुजदिल, एक दो दिन चर्चा करते फिर उस मौन हो जाते, भीतर का तुम्हारा ममत्व मर चुका है, सनातन की जो आग होती है वो मर चुकी है, इसलिए जगो। और कुंडलपुर में रुक्मणी मैया की जो मूर्ति चोरी हुई थी वो पकड़ी गई है भगवान की कृपा से, उसे उठा करके फिर बैठा रो और रुक्मणी मैया का विवाह हर वर्ष फिर करवाओ गोविंद के साथ। हाँ? तो साधु जी, संतों का काम है जगाना, साधु तो जगाएंगे ही जगाएंगे। तो नारद जी पहुंचे वेद व्यास जी के पास, चिंता में देखा, देखो संतों का काम है कोई चिंता में हो तत्क्षण उनके अंदर भगवान बोल पड़ते हैं और जवाब दे देते हैं, भगवान उपाय बता देते हैं। संतों के पास कुछ नहीं होता, उनको तो हरी प्रेरणा देते हैं, अब वो उपाय बता देते हैं। साधु चलता फिरता भगवान का ही रूप है। हाँ, संत चलते फिरते भगवान के ही रूप है। देखो भैया, भगवान को याद करोगे, भगवान को आने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। हैं, अब घर घर रावण बैठे, अगर एक राम का अवतार हो भी जात सुहागी को लगो हर घर एक रावण बैठो, अब इतने राम कहां से लावे। एक उपाय है, बोले क्या, हमारा सिद्धांत बड़ा उल्टा, दशहरा का दिन आता है तो लोग कहते महाराज अंदर के रावण को मारो, हम कहते रावण खान जिंदा रान दो, अपने भीतर के राम जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं रावण को, अंधेरा मचा है, बढ़िया एलईडी बल्ब लगाओ 200 वाट का, भाई साहब अपने आप भग जाएंगे अंधेरे राम। बोलो सीताराम,